बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पब्लिक टीवी न्यूज़ और मैं हूँ आमिर हबीब। किसानों के लिए बहुत ही आम खबर, फसलों को साफ करने वाला रिपोर्ट तैयार कर लिया गया। गुज़श्ते दिनों साइंसदानों ने एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो फसलों से झाड़ियाँ, घास फूस और दीगर बूटियाँ वगैरह को बआसानी साफ कर सकता है। इसको स्विट्जरलैंड की कंपनी इको रोबोटिक्स ने मस्नूई जहानत से तैयार किया। इसकी खास बात यह है कि इसको स्मार्टफोन से भी कंट्रोल किया जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में फसलों के साथ उगने वाली इजाफी घास और झाड़ियों को साफ करने के लिए 26 अरब डॉलर सालाना मुख्तलिफ दवाइयों और केमिकल्स पर खर्च किए जाते हैं, जिससे फसलों को नुकसान भी पहुँचता है। ये रिपोर्ट इस मसले को ख़त्म करने की सलाहियत रखता है। ये एक छोटी मुतहरिक मेज़ की तरह दिखाई देता है जिसके ऊपर शमसी सेल नस्ब किए गए हैं। इसकी लंबी गर्दन पर एक कैमरा भी लगा है जो कंप्यूटर विजन से देखता है और GPS निज़ाम इसकी रहनुमाई करता है। ये मशीन 12 घंटे लगातार काम कर सकती है। कंपनी का दावा है कि इस रोबोट की वजह से स्प्रे करने की शरह में 20 गुना तक कमी वाकया होगी। पब्लिक टीवी न्यूज़ देखने का बहुत शुक्रिया। मैं हूँ आमिर हबीब। ताज़ा तरीन खबरें और प्रोग्राम देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और विजिट कीजिए पब्लिक।